हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी के टिवाडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा तुलसी का प्लांट। ठीक है, हमारा पवित्र प्लांट है जिस पे हमारी बहुत ही आस्था है, मेडिसिनल प्लांट है और सभी के घरों में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। इसके केयर और रिपोर्टिंग वगैरह मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर की है मेरे चैनल पर, आप सब जाके देख लेना। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी कि तुलसी पर एक वीडियो बनाइए कि इस पर जो पेट्स वगैरह या कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास तुलसी के दो प्लांट है और काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी बड़े प्लांट है, और मेरे तुलसी के प्लांट पर कोई भी इस टाइम कीड़ा वगैरह नहीं है बिकॉज़ मैं रेगुलर इस पर स्प्रे करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देखना, अभी फ़िलहाल ही मैंने 3-4 वीडियो पीछे जाइए तो देखिए मैंने काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स बताए हैं अपने प्लांट पर जिनका हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्ट को या कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम अपने प्लांट में वाटरिंग जो करेंगे, ये करेंगे आज हम अपने कंपोस्ट टी से। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, मैंने कुछ नहीं करा, इस बकेट में मैंने पानी लिया है और उसमें 4 मुट्ठी भरकर मैंने अपना घर का बना हुआ कंपोस्ट डाल दिया है। कल मैंने मॉर्निंग में ये किया था और इसको लिड लगाकर छोड़ दिया था। आज मॉर्निंग में आई हूँ तो मैं ये सारा वाटरिंग अपने प्लांट में करूँगी डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको डाइल्यूट करके मैं करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में जो नॉर्मली स्प्रे करती हूँ, जो मैं कभी कुछ नहीं बना पाती, तो नॉर्मली जो स्प्रे करती हूँ वो ये तीनों चीज़ें हैं। देखिए, ये है मेरा विम बार। ठीक है, कोई भी लिक्विड डिश वॉश ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप जो घर में सर्फ होता है आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो हमने लिया और सिंपल वाटर में मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये जो है ये मैंने कल स्प्रे किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा घर की चीज़ों से ही पहले बता रही हूँ, उसके बाद है हमारा हल्दी। ठीक है, इसको रेडी करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। कोई भी बाउल ले लीजिए खाली, ये देखिए, बस आपको इसमें ऐसे हल्दी डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, जितने आपके प्लांट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हल्दी ले सकते हो। अगर ये ज़्यादा भी बन गया तो इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप इसको डाइल्यूट फॉर्म में अपनी मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हो, मिट्टी में वाटरिंग की तरह डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बस इसमें आपको पानी डालना है और किसी भी स्पून या अपने फिंगर से ही आपको इसको मिक्स कर देना है। बस शर्त एक है कि आपको इसको स्प्रे बोतल में भरने से पहले आपको इसको छान लेना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्प्रे बोतल में फंस जाएंगे और स्प्रे बोतल नहीं चलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये देखिए, इसका स्प्रे मैं कल करूँगी। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, लिड लगा कर रख देती हूँ। आप इसको छानना जरूर, छानने के बाद अपनी स्प्रे बोतल में भर लेना और बस अपने प्लांट पर स्प्रे कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरे पास छलनी नहीं है तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। इसके बाद जो थर्ड वाला है मेरा, मैं पहले अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। थर्ड वाला जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, नीम ऑयल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपके आसपास जहां आपको सीड वगैरह मिलते हैं ना फ्रेंड्स, कोई ना कोई ऐसी शॉप ज़रूर होती है जहां सीड वगैरह मिलते हैं, खाद मिलती है, तो वहां ये ऑयल ज़रूर मिल जाएगा। आप थोड़ी सी ट्राई कीजिए, बाहर जाइए ढूंढिए। मुझे भी काफ़ी टाइम के बाद, मतलब लगभग 1 साल के बाद पता चला था कि यहाँ सीड मिलते हैं, और जबकि वो एरिया, वो दुकान मेरे घर के बिल्कुल पास ही थी। तो थोड़ा सा ट्राई करने की और ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल को बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाते हैं, और मैं इसका रेगुलर यूज़ करती हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, आप इनको बदल बदल कर यूज़ कीजिए तो जितने भी पैड्स लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने नीम ऑयल का स्प्रे किया तो आप एक दिन गैप देकर अगले दिन आप सोप का कर दीजिए, और फिर एक दिन गैप देकर आप ये कर दीजिए, या फिर गैप मत दीजिए, रेगुलर कर दीजिए। आज नीम ऑयल किया है तो नेक्स्ट दिन अपना डिश वॉश कर दीजिए या सर्फ का कर दीजिए, और नेक्स्ट दिन ये कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर बहुत सारे ऐसे बताए हैं मैंने पेस्टिसाइड आप जिनका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट जो पिल होते हैं ओनियन के, उनका कर सकते हो, कनेर का, नीम का, इन सब का लिक्विड बनाकर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। तो अगर वो सब नहीं है तो उनके अलावा ये है। ठीक है फिर, इसके अलावा अगर इनसे भी आपके कीड़े मकोड़े नहीं जा रहे हैं, प्लांट को डैमेज करे जा रहे हैं, तो बस लास्ट में बचता है केमिकल। केमिकल का कोई भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं केमिकल गार्डन में यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो मुझे पता नहीं है। अगर मेरा प्लांट मुझे ऐसे लगता है कि ख़राब हो रहा है, तो यही सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम बना लेते हैं नीम ऑयल का स्प्रे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, या तो आप इस टाइप की कोई बोतल ले लीजिए, उसमें इसको मिक्स कर लीजिए, बना लीजिए, रेडी कर लीजिए, या फिर अपना सीधा स्प्रे बोतल में कर लीजिए। तो मैं दोनों तरह से ही कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारा जो डिश वॉश है, कोई भी हो सकता है, हैंड वॉश हो या डिश वॉश हो, पहले आपको ले लेना है 1 स्पून के करीब। 1 लीटर का बता रही हूँ मैं रेसियो, आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए 1 स्पून के करीब आपको लेना है अपना नीम ऑयल, सॉरी लिक्विड डिश वॉश। उसके बाद आपको लेना है 1/2 स्पून के करीब अपना नीम ऑयल। ठीक है, ये देखिए, बस
ज़्यादा डालने से हमारी लीव्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि ज़्यादा ना हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो आप दो बोतल में बना लीजिए। तो इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको वाटर अच्छे से भर देना है, इतनी जगह छोड़नी है बस कि हमारा स्प्रे बोतल का जो ब्रश है वो, सॉरी स्प्रेयर जो है इसका लिड मतलब, उसके लिए जगह बच जाए। ये देखिए आपको क्लियर दिख गया होगा इतना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको इसको सेक करना है अच्छे से, ताकि हमारा वाटर है, हमारा जो डिश है वो अच्छे से, डिश वॉश जो है, नीम ऑयल जो है, वो सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आपको पता होगा कोई भी ऑयल जो है वो आराम से वाटर में डिसेबल नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है, इनडिसेबल है ये। तो इसको क्या करना है कि ज़रा सा कोई भी सरफ वगैरह हम डालेंगे तो ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। आप ट्राई करना, ये एक साइंस का मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे इसको सेक कीजिए तो ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद अपना लिड लगा लीजिए, ठीक है। लिड लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि ये खास से इसका जो स्प्रे बोतल का ढक्कन होता है वो बंद नहीं होता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लिड लगा कर रेडी कर लिया है। एक बार देख लेते हैं कि स्प्रेयर चल रहा है नहीं। जी हाँ, चल रहा है। तो चलिए तुलसी के प्लांट पर चलते हैं। आप इस वाले जो हमने अभी बनाया है लिक्विड को सभी प्लांट में स्प्रे कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसका। बस जितने भी पट्स वगैरह हैं उन सबको ये बचाएगा। वेजिटेबल हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप सब पे कर सकते हो। हमारी जो होली बेजल तुलसी है उसका तो यूज़ हम अपने खाने में भी करते हैं, चाय में भी करते हैं। मैं और मेरी फैमिली तो रोज़ यहाँ से मतलब पत्ते लेके जाते हैं। हस्बैंड ही पत्ते तोड़ते हैं, मैं नहीं तोड़ती हूँ कभी भी, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद पत्ते लेके जाते हैं हम नीचे, इसको वॉश करते हैं और आराम से खा भी लेते हैं और चाय वगैरह में भी डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी तुलसी के पास और बस इसको स्प्रे कर देंगे ऐसे करके। अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो आराम से चला जाएगा। आप इसके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तुलसी पर कुछ लगा हुआ है तो आपको फ्रेंड्स इसके लीव्स जो हैं उनके नीचे भी करना है, क्योंकि जितने भी पेट्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने नीचे अच्छे से इसको स्प्रे कर दिया है, इसके बाद हम ऊपर से भी स्प्रे कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अपने प्लांट को बुशी करना है तो ये जो मंजरी आपको दिख रही है ना, ये देखिए मंजरी इसे बोलते हैं, इनको बनने मत दीजिए, तोड़ते रहिए, रेगुलर पिंचिंग करते रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए ये वाला मैंने इसमें पिंचिंग की थी, तो उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है न्यू लीव्स डेवलप हो रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी इसके सीड कलेक्ट करने हैं तो मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं। और जब आप इसकी पिंचिंग करोगे ना फ्रेंड्स, तो एक ही दिन ये सारी मंजरी मत तोड़ देना, ठीक है। थोड़े थोड़े पोर्शन में तोड़ना, जैसे कि आज हमने 25% तोड़ दिया, कल 25% तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे करना है। नहीं तो आपकी तुलसी को रीग्रोथ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छे से स्प्रे कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपकी डिमांड, आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल का नाम और हमारे इंस्टा की आईडी सेम ही है, सिस्टी क्रिएटिव गार्डन से, ठीक है। ये मेरी इंस्टा की आईडी है, वहाँ फॉलो कीजिए, अच्छी अच्छी पिक्चर लगाती हूँ मैं अपने गार्डन की ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।